सिवनी जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली इन दिनों सुर्खियों पर है। कहीं फर्जी एफआईआर के मामले में, निर्दोष को जेल पहुंचाने के मामले में, तो कहीं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत वापस लेने के लिए आवेदक को धमकाने और गाली गलौज करने के मामले। बंडोल थाना और पलारी चौकी के बाद अब लखना दौंद पुलिस के पैसे लेने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो तकरीबन 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो लखना दौंद थाने का है। वीडियो में कुछ युवक पहले पैसे गिनते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें से एक युवक पैसे की गिनती करते हुए 4,000 की बात कह रहा है। कुछ समय बाद युवक अंदर जाकर मुंशी घोड़ेश्वर, जो बिना वर्दी के हैं, उसे पैसे देते हुए बाहर निकलते हैं। जानकारों की माने तो यह वीडियो 4 दिन पुराना है, जहां लखना दौंद पुलिस ने कुछ युवक को गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा था, जिसमें एक युवक को पुलिस ने हिरासत पर लेते हुए थाने में बैठा लिया था, जिसे छुड़ाने के एवज पर 4,000 रुपए लेकर उक्त युवक को छोड़ दिया गया। एक तरफ पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक अपराध पर नकल कसने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके विभाग के कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही और रिश्वतखोरी विभाग की छवि को तार तार कर रहे हैं। शिवनी से राष्ट्रवाणी की रिपोर्ट।